hello and welcome to spmis academy today we will analyze important newspaper articles of 24th june 2024. please note you can download the pdf version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section this is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper first article is about visit of bangladesh prime minister to india this article is important hoka gs paper to international relations topics perspective perspectives india bangladesh रिलेशन uh, की हिस्ट्री देख लेते हैं एंड देन वी विल कम टू द करेंट कॉन्टेक्स्ट तो आप सबको पता है कि इंडिया uh, को तो जब इंडिपेंडेंस मिली तो साथ ही साथ इंडिया का पार्टीशन भी इफेक्ट कराया गया एंड अ कंट्री पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक रिलीजन लेकिन पाकिस्तान बना था विथ टू टेरिटोरीज डिवाइडेड बाई द वास्ट एरिया ऑफ इंडिया एक तरफ था वेस्ट पाकिस्तान दूसरे तरफ था ईस्ट पाकिस्तान यहाँ के लोगों के बीच में एक ही सिमिलैरिटी थी या ए, आ, आप कह सकते हैं कनेक्शन था वो था इस्लाम रिलीजन लेकिन कल्चर वाइज अगर बात की जाए तो ये दोनों एरियाज़ के लोग जो हैं काफ़ी डाइवर्जेंट थे ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली कल्चर को फॉलो करते थे वेस्ट पाकिस्तान में जो सबसे डोमिनेंट कल्चर है वो है पंजाबी लेकिन उसके अलावा और भी कल्चर्स हैं वहाँ पे हजारा सियाज हैं तो आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी रिलीजन बेसिस पे थी बट डाइवर्जेंस जो था वो दो था जोग्राफिकल या डिफरेंसेज जो था वो मेजर दो था जोग्राफिकल एंड कल्चरल पंजाबी डोमिनेटेड रीजन एंड बंगाली डोमिनेटेड रीजन पंजाबी जो सिख पंजाबी जो मुस्लिम्स थे सॉरी पंजाबी मुस्लिम्स जो वेस्ट पाकिस्तान में थे वो कल्चरली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली काफ़ी डोमिनेट रहे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और इस कारण से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स हमेशा ही सबजुगेट होता रहा नेग्लेक्ट होता रहा इस कारण से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के मन में एक डिसकंटेंटमेंट या फ्रस्ट्रेशन शुरू हुआ अगेंस्ट द डोमिनेटिंग वेस्ट पाकिस्तान बेस्ड पंजाबी कम्यूनिटी मुस्लिम पीपल तो क्योंकि तो लैंग्वेज वो मेनली पंजाबी से मिलता जुलता बोलते थे तो यहाँ पे फिर कुछ अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव होनी शुरू हुई जैसे उसमें सबसे पहला नाम आता है मुक्ति बाहिनी का और यहाँ के जो ईस्ट पाकिस्तान बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग तो अंडरग्राउंड तरीके से मुक्ति वाहिनी और पॉलिटिकल लेवल पे ऑफिशियल पॉलिटिकल लेवल पे अवी लीग ये दोनों ही प्रोटेस्ट करने लगे अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द पंजाबी कम्युनिटी बेस्ड इन वेस्ट पाकिस्तान और ये जो प्रोटेस्ट है धीरे धीरे काफी वाइड होने लगा पॉपुलर होने लगा तो उसको सप्रेस करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पाकिस्तानी आर्मी भेजी अगेंस्ट इट्स ओन पीपल इन ईस्ट पाकिस्तान और एक ऑपरेशन लॉन्च किया ऑपरेशन सर्च लाइट ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ 25 मार्च 1971 को जहाँ पे मुख्य टारगेट जो दिया गया था पाकिस्तानी आर्मी को वो था यहाँ के प्रोटेस्टर्स जो ईस्ट पाकिस्तान के प्रोटेस्टर्स हैं उनको फोर्सफुली सप्रेस डाउन किया जाए चुप कराया जाए पाकिस्तानी आर्मी ने यहाँ पे एट्रोसिटीज कमिट करनी शुरू की अगेंस्ट द कैडर्स ऑफ अवामी लीग जो यहाँ की रिकोगनाइज पोलिटिकल पार्टी थी उसके अलावा मुक्ति बाहिनी के लोगों के अगेंस्ट भी एट्रोसिटीज हेरासमेंट टॉर्चर किलिंग रेप्स ऐसे भी केसेस सामने आए तो मास लेवल पे जब एट्रोसिटीज होने लगी तो ईस्ट पाकिस्तान के कई सारे लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के जो बॉर्डरिंग नेबर स्टेट्स हैं जैसे असम या वेस्ट बंगाल वहां आने लगे और भारत के अंदर एक इलीगल तरीके से रेफ्यूजीज का इनफ्लक्स बढ़ने लगा ये जो ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट हुआ था 25 मार्च को 1971 को यही बड़ा कारण है जो एनआरसी अपडेट किया गया साम के अंदर उसमें कट ऑफ डेट दिया गया 24 मार्च 1971 मिडनाइट कि उसके पहले से जो लोग आए हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा बट तो उसके बाद के जो लोग आए हैं वो तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल टर्मोइल था उसके कारण आए हैं सो दे आर रेफ्यूजीज दे केम इन इंडिया टू टेक सेल्टर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द टाइम ऑफ एट्रोसिटीज कमिटेड बाई पाकिस्तानी आर्मी यहां तक तो ठीक है लेकिन दे कैन नॉट बी रिकॉगनाइज एज इंडियन सिटीजन उस टाइम में स्ट्रेस था आ गए बट दे नाउ मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड रीपेट्रिएटेड बैक टू बांग्लादेश क्योंकि उस टाइम का जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बाद में बन गया बांग्लादेश आपको पता है क्योंकि जब भारत के अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस बिल्डअप होने लगी तो फिर इंडिया ने फैसला किया कि इंडियन आर्मी विल स्टॉप दिस बिकॉज इट वॉज टर्निंग आउट टू बी सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल क्राइसिस फॉर इंडिया एज वेल इंडिया के अंदर कई सारे रेफ्यूजीज आने लगे थे और इंडिया के जो लोकल रिसोर्सेस हैं उस पर फिर प्रेसर पड़ने लगा था फिर इंडियन आर्मी इंटर्ड इन टू दैट टाइम ईस्ट पाकिस्तान और उस टाइम में जो पाकिस्तानी आर्मी एट्रोसिटीज कर रही थी लोकल कम्युनिटीज के ऊपर उसको रोका इंडियन आर्मी ने और पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करने के लिए फोर्स किया यू कैन सी हियर जनरल नियाजी ऑफ पाकिस्तान सरेंडरिंग

बट इन रिटर्न पाकिस्तान ऑल्सो आइडेंटिड ईस्ट पाकिस्तानी बांग्लादेश तो इस तरीके से बांग्लादेश एक नए देश का जन्म हुआ जिसमें इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा तो यही कारण है कि स्टार्टिंग के दिनों में इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत अच्छे थे और बांग्लादेश के फॉर्मेशन के बाद ही इंडिया ने एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन किया बांग्लादेश के साथ प्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन एन कोट सेल्फ लेकिन धीरे धीरे फिर डिफरेंसेस आने लगे तो ये सब कुछ ऐसे हैं जिनको आपको जानना चाहिए इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पे जब भी आप लिख रहे हैं तो आपको जरूर लिखना चाहिए ये सारे भारत ने 1975 में एक हुगली और पदमा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पदमा नदी वेस्ट बंगाल और कोलकाता साइड में हुगली रिवर में जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और यहाँ पे फिर सुंदरबन डेल्टा भी बनाती है तो गंगा नदी के ऊपर हमने फैसला किया कि हम एक फरक्का बराज बनाएंगे फरक्का बराज का मुख्य मकसद था कि जो सिल्ट लेकर के आ रही है गंगा नदी उसको सेपरेट किया जाए यहीं पे क्योंकि अगर सिल्ट को अलाउ किया जाए आगे फ्लो करने के लिए तो फिर कोलकाता कि आगे जो हमारा हल्दिया पोर्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिल्टेशन हो जाता है सैंड पेबल से इकट्ठा हो जाते हैं जिस कारण से उस पोर्ट का ऑपरेशनल रहपाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है तो फैसला हुआ कि फरक्का बराज बना करके हम लोग डी सिल्टेशन करेंगे एक्सेसिव सिल्ट को रिमूव करेंगे लेकिन बांग्लादेश ने इसको अपोज किया फरक्का बराज डैम प्रोजेक्ट को बांग्लादेश का कहना था कि आप ये डैम बना करके एक्सेसिव वाटर को अपने तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं एंड दैट विल हिंडर द फ्लो ऑफ वाटर इन द लोअर राइपेरियन रीजन ऑफ बांग्लादेश जिससे बांग्लादेश के पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम होगा तो ये पहला डिस्प्यूट मेजर डिस्प्यूट शुरू हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 1975 में बांग्लादेश टू अप द मैटर टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इंटरनेशनलाइज कर दिया बांग्लादेश ने इस मुद्दे को

फिर आसाम के अंदर मूवमेंट शुरू हुआ डिमांड शुरू हुए कि लीगल जो इमिग्रेंट्स उनको आइडेंटिफाई किया जाए रिपैट्रिएट बैक किया जाए बांग्लादेश में अब ये एक स्टिकिंग पॉइंट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आज तक आइडेंटिफाई तो कर लिया हमने एनआरसी में लेकिन उनको भेजा कैसे जाए दैट इज स्टिल ए स्टिकिंग पॉइंट और बांग्लादेश तब से ही थोड़ा सक्सेप्टेबल हो गया इंडिया को लेकर के कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली होंगे देन इंडिया विल कम अप अ नंबर ऑफ पीपल डेटा कि यू मस्ट टेक देम बैक और बांग्लादेश इज नॉट विलिंग टू क्योंकि दैट विल क्रिएट प्रेशर ऑन बांग्लादेश ऑल्सो क्योंकि उसको फिर उनको लोगों को रिहेबिलिटेट कराना होगा रीसेटल कराना होगा तो आसाम अकॉर्ड अल्टीमेटली इट कलिटेड इन टू एम सो सॉरी आसाम मूवमेंट ऑफ नाइनटीन सेवन कलमिनेटेड इन टू आसाम अकॉर्ड ऑफ नाइनटीन एटी फाइव जिसके प्रोमिस किए गए कि हम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और रिपैट्रिएट बैक करेंगे बांग्लादेश में लेकिन वो प्रोमिस को अभी तक पूरा नहीं किया गया है और यह प्रोमिस जो किया गया भारत सरकार द्वारा टू पार्टीज ऑफ द अग्रीमेंट फ्रॉम आसाम साइड ये प्रोमिस को पूरा करने में कही न कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी एक पार्टी बन जाता है इनडायरेक्टली और आसाम मूवमेंट एंड आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985 इसने बांग्लादेश और भारत के बीच में थोड़े से एक आप कह सकते हैं डाउट वाला रिलेशन क्रिएट कर दिया कि व्हाट इंडिया विल डू और हाउ इंडिया विल टेक अप द इलीगल रिफ्यूजीज मैटर विथ बांग्लादेश सो दट आसाम मूवमेंट एंड इलीगल इमिग्रेंट्स का जो मूवमेंट है टू वार्ड द आसाम साइड दैट इज वन स्टिकिंग पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वाटर शेयरिंग को लेकर के डिस्प्यूट है देखिए अगर फिफ्टी फोर ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं भारत के तो उसमें से हम सो सॉरी फिफ्टी सेवन अगर ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं भारत के तो उसमें से फिफ्टी फोर ऐसे हैं जो इंडिया बांग्लादेश के साथ शेयर करता है अब ये एक मेजर कंसर्न हो जाता है ऑफ ट्वें सेवन ट्रांस बाउंड्री रिवर्स बांग्लादेश शेयर फिफ्टी फोर ऑफ दे सत्तावन फिफ्टी सेवन ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं बांग्लादेश के जिसमें से फिफ्टी फोर वो भारत के साथ शेयर करता है अब अगर आप देखिए तो इंडिया इज अपर राइपेरियन स्टेट मतलब हमारे पास वो एडवांटेज है रिवर वाटर शेयर को लेकर के जो चाइना के पास एडवांटेज है हमारे अगेंस्ट वी हैव सिमिलर काइंड ऑफ एडवांटेज अगेंस्ट बांग्लादेश तो बांग्लादेश इस कारण से हमेशा ही डाउटफुल रहता है सरकमस्पेक्टिव रहता है कि कहीं भारत कोई डैम वगैरह बना करके पानी डाइवर्ट तो नहीं कर रहा है कई सारे वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं जिसमें से दो डिस्प्यूट्स मेजर हैं एक है तीस्ता वाटर शेयरिंग को लेकर के डिस्प्यूट तीस्ता नदी सिक्किम हो के निकलती है और वो फिर भारत के स्टेट वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है एंड देन इट ड्रेन इन टू बे ऑफ बंगाल और तीस्ता नदी को लेकर के वाटर शेयरिंग को लेकर के डिस्प्यूट अभी तक रिजोल्व नहीं हो पाया है भारत और बांग्लादेश के बीच में उसके अलावा इंडिया ने तिपाई मुख डैम बनाया बराक नदी के ऊपर एट ट्राई जंक्शन ऑफ मिजोरम असम एंड मणिपुर वहां पे एक तिपाई मुख डैम है इस तिपाई मुख डैम को लेकर के भी बांग्लादेश ने काफी सारे डिस्प्यूट्स रेस किए हैं बिकॉज अल्टीमेटली दिपाई मुख डैम इंटर्स इन टू बांग्लादेश द दे नेम कुशियारा रिवर तो बांग्लादेश को लगता है कि तिपाई मुख डैम की मदद से भारत जो है एक्सेसिव वाटर ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द बराक रिवर एंड दैट इज लिमिटिंग वाटर अवेलेबिलिटी फॉर बांग्लादेश तो ये सब कुछ ओपन एंडेड डिस्प्यूट हैं फराक्का बराज आसाम मूवमेंट अभी भी ये पूरी तरह से रिजोल्व नहीं हुआ है क्योंकि तो आसाम एकॉर्ड के प्रोमिस पूरे नहीं हुए वाटर शेयरिंग के जो डिस्प्यूट्स हैं वो कुछ कुछ अभी भी ओपन एंडेड हैं जैसे तीस्ता या तिपाई मुख डैम एक डिस्प्यूट है जो रिजोल्व हो गया है लेकिन उसने भी थोड़े से डिफरेंसेस क्रिएट किए भारत और बांग्लादेश के बीच में वो है विध रिस्पेक्ट टू मैरी बाउंड्री मतलब ओशन के अंदर बाउंड्री मैंने आपको एक दो दिनों पहले ही न्यूज पेपर एनालिसिस में बताया कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी के हिसाब से ईईजेड जेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्प्रेड्स फ्रॉम कोस्ट लाइन टू टू हंड्रेड नोटिकल माइल्स इन जनरल लेकिन अगर कहीं पे भी कॉन्टिनेंटल सेल्फ उससे भी आगे वाइड एक्सटेंडेड है कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज फर्दर एक्सटेंडेड तो फिर जहां तक कॉन्टिनेंटल सेल्फ की डिमार्केशन होगी वहां तक उस देश का ईईजेड जेड एक्सपैंड करेगा या माना जाएगा अब इस एरिया में आप देखो तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ काफी वाइड है इस एरिया में यहाँ पे अभी दोनों देश ईईजेड e -E को लेकर के डिस्प्यूट कर बैठे इंडिया और बांग्लादेश ईई e -E को लेकर के डिस्प्यूट कर बैठे क्योंकि बांग्लादेश ने अपने हिसाब से ऐसी कोई बाउंड्री डिमार्केट की ये रेड कलर से जो आप देख रहे हैं कि मेरा तो बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा लाइन होना चाहिए और ये वाला पूरा एरिया हमें बिलोंग करना चाहिए ई जेड ई जेड का फायदा क्या है कि वहां से आप जिस भी देश का वो ई e जेड होगा वहां के वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है तो बांग्लादेश वाज क्लेमिंग दिस वन जबकि भारत का कहना था कि नहीं बाउंड्री जैसे आ रही है उसको उसी डायरेक्शन में उसी अलाइनमेंट में एक्सटेंड किया जाए और ऐसा होना चाहिए बाउंड्री बिटवीन मैरी टाइम एंड बांग्लादेश ये वाला भारत ने सजेस्ट किया तो ये कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं डिस्प्यूटेड हो गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ई e -E को लेकर के मामला पहुंचा यूनाइटेड नेशंस के एक ट्रिब्यूनल में और ट्रिब्यूनल ने जिस तरीके से फैसला सुनाया उसमें फोर फिफ्थ ऑफ द डिस्प्यूटेड एरिया वाज अवार्डेड टू बांग्लादेश एंड द वर्डिक्ट वॉज बाइंडिंग और हम चाइना तो है नहीं कि किसी भी ट्रिब्यूनल के फैसले को रिजेक्ट कर दें जैसे चाइना ने फिलीपींस के अगेंस्ट जो डिस्प्यूट हुआ था जिसमें ट्रिब्यूनल का फैसला चाइना के अगेंस्ट आया था बट चाइना ने रिजेक्ट कर दिया भारत तो ऐसा है नहीं इंडिया इज अ लॉ अबाइडिंग कंट्री इंटरनेशनल नॉर्म्स और लॉस को हम अवॉइड करते हैं तो वी रेस्पेक्टेड दैट यून ट्रिब्यूनल अवार्ड विच गेव ऑलमोस्ट फोर फिफ्थ ऑफ द डिस्प्यूटेड मैरिटाइम रीजन बांग्लादेश तो तीन अभी भी ओपन एंडेड डिस्प्यूट हैं फरक्का बराज फिर जो बांग्लादेश बेस्ड हु हुआ स्टिल सेटल्ड और लिविंग इन इंडिया वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स उसमें भी मेनली दो पिस्ता एंड तिपाईमुख डैम एक मैरीटाइम डिस्प्यूट था जो रिजोल्व हो गया आप करंट न्यूज पे आते हैं करंट न्यूज ये कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी भारत विजिट पे आई दो दिनों के लिए और कुछ महत्वपूर्ण अग्रीमेंट साइन हुए अब इनका नाम याद रखना है आपको इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पे जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप यानी कि भारत का जो लक्ष्य है दो तक विकसित भारत बनाना वैसे ही बांग्लादेश ने लक्ष्य रखा है स्मार्ट बांग्लादेश विजन बाई ट्वेंटी तो बांग्लादेश आजाद हुआ या बांग्लादेश बना नाइनटीन वन में तो उसके जब तक सत्तर साल पूरे होंगे तब तक बांग्लादेश एम्स टू बिकम स्मार्ट बांग्लादेश जबकि भारत एम कर रहा है to become developed. तो दोनों ही जो गोल हैं उनके बीच में कन्वर्जेंस एक्सप्लोर किया जाए दट इज दर्पज अंडर फ्यूचर ओरियंटेड पार्टनरशिप पावर और एनर्जी कोलेबोरेशन तो बांग्लादेश अलॉन्ग विथ इंडिया नेपाल एंड भूटान आर ट्राइंग टू कम अपन अग्रीमेंट जिसमें हम लोग क्रॉस कंट्री इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड फ्री तरीके से कर पाए वाटर शेयरिंग को लेकर के जो मेजर स्टिकिंग पॉइंट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में उसको लेकर के एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जाए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे ओपन डेटा शेयर किया जाए ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट को हम लोग रिजोल्व कर पाए इसके अलावा बांग्लादेश से कई सारे लोग भारत आना चाहते हैं फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पसेस तो इस तरीके के लोगों के लिए स्पेशल वीजा फैसिलिटी शुरू की गई है ई मेडिकल वीजा तो इससे भारत को फॉरेक्स रिजर्व अर्निंग में भी फायदा मिलेगा भारत के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगा साथ ही साथ बांग्लादेश सिटीजन्स को भी बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाएंगी उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि बांग्लादेश हेज एग्रीड टू तो बी पार्ट ऑफ इंडियाज इंडो पैसिफिक ओसन इनिशिएटिव आई ये क्या है आई पी ओ आई भारत की इनिशिएटिव है विथ रिस्पेक्ट टू इंडो पैसेफिक रीजन ये पूरा का पूरा एरिया पैसेफिक और इंडियन ओशन वाला एरिया कलेक्टिवली कहा जाता है कलेक्टिवलीफिक रीजन इसमें जो आप कह सकते हैं बाई ड्रॉइंग नाइन डैश लाइन विच वॉज फर्दर एक्सटेंडेड लाइन तो अगर जो भी देश साउथ चाइना सी को कंट्रोल करेगा पूरा इंडो पैसेफिक रीजन उसके कंट्रोल में होगा बिकॉज इट इज द ट्रांजिशन बिटवीन द इंडियन ओशन एंड पैसेफिक तो भारत नहीं चाहता है कि साउथ चाइना सी के ऊपर जो चाइना का 90 परसेंट वाला क्लेम है थ्रू नाइन डैश लाइन वो स्टैब्लिश हो जाए तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया हैज स्टार्टेड इंडिया इंडो पैसेफिक ओशन इनिशिएटिव, आई इसमें सीधा सीधा चाइना का तो नाम हमने नहीं लिया है लेकिन वी थ्रू दिस डॉक्यूमेंट हैपोज टू कीप इंडो पैसेफिक रीजन फ्री फॉर एवरी कंट्री फ्री एंड ओपन इंडो पैसेफिक रीजन दैट इज द गोल और आइडिया ऑफ इंडो सीधा चाइना का नाम ना लेने ना लिया हमने बट हमने क्या किया कि इस डॉक्यूमेंट की मदद से हम कहते हैं कि इंडो पैसेफिक रीजन शुड बी केप्ट फ्री एंड ओपन तो इनडायरेक्टली हम चाइना को मैसेज दे रहे हैं थ्रू दिस डॉक्यूमेंट कि तुम्हारा साउथ चाइना सी पे जो नाइन डैस लाइन वाला डिमार्केशन है वो इलीगल है और हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते और भारत क्या करता है दूसरे देशों को भी इनकरेज करता है कि आप एक्सेप्ट करें हमारे इंडो पैसेफिक ओशन इनिशिएटिव को आईपीओआई को और जो भी देश मान लिया मान लीजिए आईपीओआई को कहीं ना कहीं उसने भी चाइना का अग्रेसन यान यूनिल इन साउथ चाइना सी को काउंटर कर दिया फॉर्मली बट चाइना का सीधा सीधा नाम हमने लिया नहीं है तो आईपीओआई जो डॉक्यूमेंट है भारत की इंडो पैसेफिक ओशन इनिशिएटिव फ्री एंड ओपन पैसिफिक का जो कमिटमेंट करता है दैट इज इनडायरेक्टली टारगेटिंग चाइना एंड इट्स यूनिल इन साउथ जिस भी कंट्री को हमने डॉक्यूमेंट इसका अग्री करा लिया तो कहीं ना कहीं हमने भी उसको कम से कम साउथ चाइना सी वाले मामले में अपने साथ ले लिया अगेंस्ट चाइना उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है वो ये है कि भारत और बांग्लादेश अब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए एक मेजर

एक्सपेंडेड वर्जन होता है एफ टी ए जिसमें देर इज ए निगेटिव लिस्ट मतलब कुछ आइटम्स को छोड़ करके बाकी सारे आइटम्स पे वी विल बी ट्रेडिंग इन लिबरल मैनर दैट इज एफ टी ए हाइयर वर्जन ऑफ टी टी ए फिर उसके ऊपर का इकोनॉमिक अग्रीमेंट होता है सी का इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट विच फर्दर इन टॉक्स अबाउट ट्रेड के अलावा ट्रेड इन सर्विसेस नॉट जस्ट ट्रेड इन गुड्स टैरिफ रिलेटेड नेगोसिएशन सीका से भी हाईर लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है सीपा कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विच टॉक्स अबाउट इन गुड्स इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड ऑल इट इज मच मोर कॉम्प्रीहेंसिव दैन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत ने अभी तक साउथ कोरिया यूए जापान जैसे देशों के साथ कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशि अग्रीमेंट साइन किया है अब इंडिया एंड बांग्लादेश आर लुकिंग फॉरवर्ड टू साइन कॉम्प्रीहेंसिविव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद बिटवीन दमसेल्फ इससे फायदा क्या होगा ऑलरेडी इंडिया बांग्लादेश के ट्रेड काफी अच्छे चल रहे हैं और बांग्लादेश हैज इमर्ज इंडिया इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया में बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है लेकिन एक कंसर्न क्या है पूरे एशिया में चाइना बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और दूसरे नंबर पे है इंडिया तो आप कह सकते हैं कि इंडिया इज बांग्लादेश सेकेंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन एशिया और हम चाहते हैं कि हम पहले नंबर पे आए बांग्लादेश का ट्रेड चाइना के साथ कम हो भारत के साथ बढ़े क्योंकि हमारा ज्यादा बेहतर जोग्राफिकल अप्रॉक्सिमिटी है ना बांग्लादेश के साथ इससे क्या होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा बांग्लादेश का ओवर डिपेंडेंस अपॉन चाइना भी कम होगा और इस तरीके से इंडिया के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी होगा और यही कारण है कि इंडिया ने फैसला किया है कि वो बांग्लादेश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करेगा दोनों देशों को फायदा होगा बांग्लादेश को भी सस्ते दामों पर प्रोडक्ट्स मिलेंगे और इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी होगा इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा रीजनल डेवलपमेंट भी होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ज्यादा बेहतर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओपन होंगी इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन देखिए इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पे शाह स्क्वायर प्रोटेस्ट थोड़ा सा पुराना हो गया है 2013 का ये न्यूज है 2013 में यूपीएससी ने मेंस में सवाल पूछा था शाह स्क्वायर प्रोटेस्ट क्या बताता है बांग्लादेश के बारे में तो देखिए बांग्लादेश के अंदर जो पॉलिटिकल सेटअप है वो एकदम आप कह सकते हैं बाईपोलर है एक तरफ है बी हेडेड बाई खालिदा जिया जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट रखते हैं और प्रो चाइना सेंटीमेंट रखते हैं और दूसरे तरफ है अवामी लीग हेडेड बाय शेख हसीना तो जो प्रो इंडिया अप्रोच रखती हैं तो जब जब अवमी लीग की सरकार होती है तो भारत के साथ संबंध अच्छे रहते हैं बांग्लादेश के अगर बीएनपी की सरकार आ गई तो भारत और तो बांग्लादेश के संबंध खराब हो सकते हैं उसका सीधा सीधा निगेटिव इंपैक्ट पहुंचता है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे ही बीएनपी की सरकार आती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको बांग्लादेश रेफ्यूज देने लगता है और वो फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स बनकर के इमर्ज होते हैं इंडिया के लिए तो भारत के लिए एक बड़ा ही कंसर्न है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स बांग्लादेश की पॉलिटिक्स का बाईपोलर डिवीजन उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी वो डाइकोटमी दिखती है डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉलिटिकल पार्टी विच इज इन पावर और उसी से रिलेटेड था ये शाहबाग प्रोटेस्ट जब बीएनपी का एक एसोसिएट अब्दुल कादिर मोल्ला को कोर्ट ने उम्र कैद सुनाया ना कि फांसी की सजा सुनाई अब्दुल तो हुआ कुछ लोग कह रहे थे कुछ लोग कह रहे थे कि ठीक है हम उसके सपोर्ट में हैं उसको उम्र कैद ही रहनी चाहिए फांसी नहीं होनी चाहिए मुद्दा यह है दो में काफी ज्यादा न्यूज में था शाहबाग स्क्वायर प्रोटेस्ट इसीलिए सीधा सीधा प्रश्न आया में अब सीधा प्रश्न नहीं आएगा लेकिन आप फिर भी मेंशन कर सकते हैं शाहबाग स्क्वायर प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था 2013 में टू डिपेक्ट कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स कैसे बाईपोलर है और अगर बीएनपी की सरकार आ जाती है बांग्लादेश में तो इंडिया के लिए ये सिक्योरिटी इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम तीनों ही क्रिएट कर सकते हैं तो एक बार ये पढ़ लीजिएगा 2013 का यह प्रश्न है मैंने आंसर भी दे रखा है ऐसे हिंट्स के फॉर्मेट में बट नाउ डायरेक्ट क्वेश्चंस आर नॉट एक्सपेक्टेड द नेक्स्ट

रिमूव किया गया अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना इसी को कहते हैं व्हेन यू आर नॉट एबल टू फाइंड द रियल रीजन देन यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी द टर्म वी हैव डिस्कस्ड इन आवर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर उसके अलावा भारत सरकार ने एक एक्सपर्ट एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है हेडेड बाय फॉरमर इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन साहब और इनको मैंडेट दिया गया है कि आप कैसे एग्जाम्स को रिफॉर्म किए जाए सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनको रिफॉर्म किए जाए उनकी सिक्योरिटी मेथड्स को कैसे स्ट्रिजेंट किए जाए कि कोई भी लीक ना हो चोरी ना हो ये सब सजेस्ट करें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में कैसे इंप्रूवमेंट लाया जाए ये सजेस्ट करें और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाल फिलहाल में भारत सरकार एक कानून लेकर के आई है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट इसमें और क्या बदलाव किए जा सकते हैं ताकि जो एग्जाम्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो फेयर तरीके से कराए जा सके ये जो कानून की हम बात कर रहे हैं पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट ये सरकार ये भारत सरकार ने फरवरी महीने में ये बिल रखा था जिसके अंतर्गत अगर कोई भी इंसान करप्ट इलीगल प्रैक्टिसेस करता हुआ पाया जा रहा है इन ऑर्गेनाइज क्राइम मैनर विध रिस्पेक्ट टू लीक ऑफ टेस्ट पेपर्स या अदर एसोसिएटेड एक्टिविटीज विथ रिस्पेक्ट टू टेस्ट टिव एग्जाम टेस्ट तो उसको 10 साल की सजा हो सकती है एक करोड़ का फाइन हो सकता है या दोनों ही हो सकता है तो इस कानून के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम आते हैं यूपीएससी एस एस सी आर आरबी आई बी पी एस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एन टी ए जो भी एग्जाम करवाता है वो सब इसके अंदर आएगा जैसे जेई नीट सी यू टी ये बिल पास हुआ था फरवरी महीने में इसको हाल फिलहाल में ही इक्कीस जून को भारत सरकार ने नोटिफाई किया लेकिन ये बिल कहीं ना कहीं इनफ है नहीं तभी तो अभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अभी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं सरकार को लगा कि इस बिल को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाने की जरूरत है तो 21 जून को नोटिफाई हुआ है लेकिन सरकार चाहती है कि इस बिल को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया जाए ताकि इफेक्टिव हो और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अनफेयर मीन्स को रोका जा सके इसी कारण से ये जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है हेडेड बाय इसरो चीफ के कृष्णन साहब इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप इस बिल में और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं तो टू मेक इट मोर पावरफुल पोर्टेंट आप सजेस्ट करें इस बिल में एक और बात ये जो कानून है इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कानून तो आ गया है इट इज नो लॉन्गर इन बिल फॉर्मेट इट हैज बिकम अ लॉ इस कानून में एक और बात ध्यान रखने वाली यह है कि स्टूडेंट्स को लेकर के ये कानून एप्लीकेबल नहीं है स्टूडेंट्स के ऊपर वही पुराने लॉ लगेंगे जो एग्जाम में आप कह सकते हैं अनफेयर मीन्स के लिए होते हैं जैसे रस्टिकेट कर दिया एक साल के लिए बैन कर दिया बट दिस लॉ इज सो फॉर एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज पीपल आर इंगेज इन रैकेट्स ऑर्गेनाइज क्राइम्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटेटिव एज्जाम स्टूडेंट्स के ऊपर पुराने एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन ही लगेंगे ये नहीं कि स्टूडेंट के ऊपर भी एक करोड़ का फाइन लगा दिया चोरी करने के लिए या फिर दस साल के लिए जेल भेज दिया ऐसा नहीं है बट ये जो कानून है इसमें काफी सारे लूप होल्स हैं और यही कारण है कि इस एक्सपर्ट कमेटी को दिया गया कि आप इसको स्टडी करें और चेंजेस सजेस्ट करें ये कानून मॉडल लॉ है मॉडल लॉ मतलब भारत सरकार ने बना दिया बाकी अब रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन है कि वो अपने अपने स्टेट में इस कानून के लाइन में एक और कानून लेकर के आए स्टेट लेवल पे ताकि इस आइडिया को इंप्लीमेंट कर पाए मॉडल लॉ मतलब भारत सरकार ने कहा है कि यह कानून सीधा सीधा एप्लीकेबल नहीं होगा वी आर जस्ट मेकिंग अ लॉ विच विल एक्ट एज ए प्रोटोटाइप विच शुड एक्ट एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक

लेजिस्लेशन के काफी सारे स्कोप हैं जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वो जो भी पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज बनाते हैं उनको कहा जाता है सबॉर्डिनेट लॉज और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेश को बहुत सारा स्कोप दिया गया है इंप्लीमेंटेशन इन दिस लॉक में जैसे कि डीएम आ गए डीसी आ गए उनके पास बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए खुद के बायलॉज बना करके और उस लॉक को कहा जाता है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन तो कहीं ना कहीं इसमें काफी सारा डिस्क्रिशनरी पावर का स्कोप आ जाता है और फिर डेविएशन हो सकता है और पॉसिबिलिटी ऑफ मिसकंडक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं तो इन सब कारणों से कहा जा रहा है कि ये जो मौजूदा कानून है इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं विच कैन बी एक्सप्ल एंड विच इज नॉट इनफ टू कर माल प्रैक्टिस इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसीलिए वी नीड मोर स्ट्रीजेंट लॉ इक्कीस जून को ये कानून आया है ठीक है इसमें वापस अमेंडमेंट किया जा सकता है अगर ये एक्सपर्ट कमेटी फर्दर सजेस्ट करती है तो एथिक्स पेपर में कैसे इस्तेमाल करें इस पूरे आइडिया के देखिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या है चीटिंग इन एग्जाम को लेकर के कि समाज का जो है है परमिसिव एटीट्यूड चीटिंग को लेकर के चीटिंग करे ना करें अगर पास हो गए तो पीपल एक्सेप्ट दिस तो पॉजिटिव एटीट्यूड या परमिसिव एटीट्यूड टूवर्ड्स चीटिंग जैसे कुछ कुछ क्राइम्स को हम लोग बहुत बुरा देखते हैं मर्डर रेपिस्ट उनको जिस तरीके से देखते हैं चीट करके पास होने वाले लोगों को हम लोग वैसे नहीं देखते हैं. तो परमिसिव या पॉजिटिव एटीट्यूड है जबकि है तो ये भी बड़ा क्राइम ही क्या इससे नुकसान होता है जो मेरिटोरियस लोग होते हैं हार्ड वर्किंग लोग होते हैं दे आर नॉट डेल्ट इन फेयर मैनर और चीटिंग व करने वाले लोग अनफेयर एक्टिविटीज करने वाले लोग दे गेट ऑल द रिवॉर्ड तो दिस इज अनफेयर एडवांटेज येट वी हैव अ पॉजिटिव और परमिसिव एटीट्यूड विध रिस्पेक्ट टू सच मिसकंडक्ट फोकस हमारा सक्सेस पे है एट एनी कॉस्ट दिस इज वन कंसर्न दैट इज लीडिंग टू राइज इन सच इशूज सोसाइटल प्रेशर टू सक्सीड वी आर प्रायोरिटाइजिंग मार्क्स और गेटिंग मार्क्स ओवर इंटीग्रिटी इन लर्निंग उसके अलावा फ्रस्ट्रेशन विध रिस्पेक्ट टू जुडिशियल सिस्टम अगर आप केस करेंगे चीटिंग के अगेंस्ट तो फिर 10-10 साल तक केस चलता रहेगा यह फ्रस्ट्रेशन के कारण जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी रिजोर्ट कर रहे हैं टू अनफेयर मींस कि हम भी चीटिंग करेंगे ओवरऑल दिस रिफ्लेक्ट्स एथिकल इरोजन ऑफ इंडियन सोसाइटी देखिए चीटिंग या इस तरीके के जो मिसकंडक्ट है डिजोनेस्टी के देआर स्लिपरी स्लोप अगर स्कूल लेवल पे थोड़ी बहुत चीटिंग हमने अलाउ की ये आपको केस स्टडी में लिखना होगा तो फिर वो कैसा है कि एक बार जब आपका एथिकल इरोजन होना शुरू होता है तो इट नॉट स्टॉप देयर स्कूल के बाद कॉलेज में आप इसी तरीके चीटिंग करेंगे और फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी करेंगे तो ये एक है ऐसा छोटा चीटिंग बड़ा चीटिंग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे जो चीटिंग है उसको भी रोकी जानी चाहिए अदरवाइज एथिकल इरोजन जब होगा स्लिपरी स्लोप है ये पूरा का पूरा कंडक्ट एक बार जब इंसान गिरना शुरू होता है तो फिर उसका मोरल कंडक्ट पूरी तरीके से टूट जाता है डिजेनरेट हो जाता है तो उसको यहीं पे रोकना होगा स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू टेलीकॉम एक्ट ब्रॉड बाय द गवर्नमेंट दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू भारत सरकार ने एक नया टेलीकोम्युनिकेशन एक्ट लाया है हाल फिलहाल में उसको पार्शियली इंप्लीमेंट किया है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया है बाकियों को बाद में करेंगे पर जो भी इंपॉर्टेंट है उनको इंप्लीमेंट कर दिया है टेलीकॉम बिल इस एक्ट के लिए पास किया जा चुका है ऑलरेडी इन दिसंबर 2023 अब इस एक्ट को नोटिफाई कर दिया है भारत सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस एक्ट के देखते हैं तो जो ब्रिटिश एरा के कानून थे टेलीकोम्युनिकेशन को रेगुलेट करने के लिए जैसे टेलीग्राफ एक्ट या वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट इनको रिपील कर दिया गया है उसके जगह पे भी एक कानून लाया गया है न्यू टेलीकॉम एक्ट 2024 अब देखिए है कानून मोटा मोटा वैसा ही जैसा ब्रिटिश एरा में था रिस्ट्रिक्टिव अभी भी वैसा ही है बस यही है कि ब्रिटिश एरा वाले कानून को हटा करके सबको कॉन्सोलिडेट करके एक नया कानून ला दिया गया है इस कानून के अंतर्गत नए कानून के अंतर्गत कोई भी टेलीकॉम कंपनी को कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने से पहले भारत सरकार से परमिशन लेना होगा वो वैसे भी लेना पड़ता है मैंने आपको कहा ना पुराना कानून से कुछ अलग नहीं है बस उन सारे कानून को हटा करके कॉन्सोलिडेट करके एक नया कानून लगा दिया गया है इस्टाब्लिश मेंटेन और एक्सपैंड टेलीकोम्युनिकेशन नेटवर्क अगर कोई भी नया टेलीकॉम्युनिकेशन नेटवर्क आपको लाना है जैसे एयरटेल है जियो है तो किसी नए जगह पे अगर आपको टेलीकॉम्युनिकेशन नेटवर्क बिछाना है तो पहले भारत सरकार से परमिशन लेना होगा रेडियो बेस्ड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स इस तरीके के जैसे वॉकी टॉकी वगैरह इन सब का इस्तेमाल करने के लिए भी पहले भारत सरकार से आपको परमिशन लेना होगा ऑल दिस थ्री आर नॉट ए न्यू दे वे ऑलरेडी देयर, बट एज पर टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 किसी नए एरिया, एरिया में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करना है आपको या एक्सपैंड करना है या रेडियो बेस्ड टेलीकॉम सिस्टम आपका इस्तेमाल करना है वॉकी टॉकी एंड ऑल तो आपको पहले से भारत सरकार से परमिशन लेना होता है सैटेलाइट बेस्ड फोन इस्तेमाल करना है तो आपको भारत सरकार से परमिशन लेना होता है वही चीज को एक जगह कॉन्सोलीट करके लिख दिया इस कानून में टेलीकॉम एक्ट ऑफ ट्वेंटी में ये जो रेडियो बेस्ड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे वॉकी टॉकी हो गया एविएशन कम्युनिकेशन हो गया ये होते सेल फोन जैसे ही हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बट इनमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल किया जा सकता है आप देखते हैं इसको घुमा करके अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल किया जा सकता है तो इस कारण से क्या होता है कि जो कभी कभार इसको सिक्योरिटी एजेंसीज भी इस्तेमाल करती हैं सी आई एस एफ एंड ऑल लेकिन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका इस्तेमाल करती हैं फॉर कम्युनिकेशन क्योंकि इसका इंटरसेप्शन थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू मोबाइल फोन और यही कारण है कि इस तरीके के जो टेलीकोम्युनिकेशन डिवाइसेज होते हैं रेडियो बेस्ड वॉकी टॉकीज उनको यूज करने के लिए पहले भारत सरकार से परमिशन लेना होता है इट वॉज अर्लियर रिक्वायर्ड एज पर टेलीग्राफ एक्ट नाउ इट विल बी रिक्वायर्ड एज पर द न्यू टेलीकॉम एक्ट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो मोबाइल फोन में लिमिटेड फ्रीक्वेंसीज रहती हैं वॉकी टॉकीज कॉम्युनिकेशन सेटेलाइट में रेडियो बेस्ड वॉकी टॉकी कॉम्युनिकेशन सेटेलाइट में लार्ज नंबर ऑफ फ्रीकवेंसीज आर देयर उसके अलावा कुछ और है भारत सरकार के पास पर पावर है टू इंटरसेप्ट एंड सर्च तो कोई भी कॉम्युनिकेशन मैसेज हो या वर्बल कॉम्युनिकेशन हो उसको इंटरसेप्ट करती है भारत सरकार कर सकती है मॉनिटर कर सकती है ब्लॉक कर सकती है फॉर पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक इमरजेंसी अगेन ये पहले भी होता था अब तो देखते ही में मोबाइल फोन टैप करना ये पहले भी होता था लेकिन पहले क्रिटिसाइज होता था कि ब्रिटिशर्स का कानून इस्तेमाल करके सरकार हमारी प्राइवेसी को ब्रीच कर रही है तो सरकार एक नया कानून लेकर के आ गई जिसके अंतर्गत पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक इमरजेंसी के लिए हमारे कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट किया जा सकता है मॉनिटर किया जा सकता है या ब्लॉक किया जा सकता है और इसी ग्राउंड पे कहीं कहीं पे जो टेलीकॉम सर्विसेज को डाउन कर दिए जाते हैं अगर कहीं पे मान लीजिए कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो वहां टेलीकोम्युनिकेशन इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाता है सो so, यही बात को इस कानून में भी लिख दिया गया है पहले इसको किया जाता था एज पर द टेलीग्राफ एक्ट ऑफ न एटीन एटी अब इसको किया जाएगा एज पर द टेलीकॉम एक्ट ऑफ ट्वेंटी कि कहीं पे भी अगर लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं तो वहां पे टेलीकोम्युनिकेशन सर्विसेज या इंटरनेट सर्विसेज सट डाउन की जा सकती हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक इमरजेंसी एक नया कानून है लेकिन नया प्रोविजन है राइट ऑफ वे तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास होगा राइट ऑफ वे ओवर पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे पब्लिक लैंड है सरकारी जमीन है या प्राइवेट जमीन है उसके ऊपर से मान लीजिए कि कोई टेलीकॉम लाइन बिछाना है तो उसका अधिकार होगा राइट ऑफ वे फैसिलिटी प्रोवाइडर्स टेलीकॉम फैसिलिटी प्रोवाइडर्स में सीक राइट ऑफ वे ओवर पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी टू स्टैब्लिश टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बट राइट ऑफ वे के लिए अप्लाई करना होगा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को जैसे एयरटेल को या जियो को और अलाउ करेंगे सरकारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं दे विल अलाउ राइट ऑफ वे टू डेवलप अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर बट नियम सरल है फेयर भी है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो राइट ऑफ वे प्रोवाइड करते वक्त कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि नहीं एयरटेल को देंगे जियो को नहीं देंगे या जियो को देंगे एयरटेल को नहीं देंगे राइट ऑफ वे विल बी फेयरली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स उसके अलावा देखिए अभी तक कैसा होता था कि टेलीकॉम कंपनियां जितना भी अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज को कहते हैं जैसे एयरटेल हो गया जियो हो गया तो जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती थी उनका पांच प्रतिशत उनको देना होता था इन द फॉर्म ऑफ लेवाई जितना भी रेवेन्यू आपने जनरेट किया उसका पांच प्रतिशत आपको देना होता था भारत सरकार को और भारत सरकार उस पैसे का इस्तेमाल करती है फॉर डेवलपिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी या टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज या बॉर्डर रीजन जहां पर इंटरनेट या टेलीकॉम कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं है तो ये जो नियम है कि पांच प्रतिशत आपको अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का देना है टूवॉर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको सरकार रखेगी कॉन्सोलीटेड फंड ऑफ इंडिया में और वहां से निकाल करके उसका इस्तेमाल करेगी रूरल एरियाज में या बॉर्डर एरियाज में टेलीकॉम फैसिलिटीज को एक्सटेंड करने के लिए यह नियम को कहा जाता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फॉर टेलीकॉम कंपनीज और इसके अंतर्गत जो फंड मेंटेन होता है उसका नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड नॉन फंड फंड मतलब कि इस इस साल साल का अगर इस साल इस साल इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा बस नए कानून में क्या किया गया है जो कि ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में पांच प्रतिशत देंगी नहीं अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का तो ये कॉन्सेप्ट को मेंटेन करने के लिए भारत सरकार ने अब इस

अब नए कानून के हिसाब से उस फंड का नाम होगा डिजिटल भारत निधि तो सब कुछ वैसा ही है पांच प्रतिशत अपने अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का टेलीकॉम कंपनियां देंगी भारत सरकार को भारत सरकार उसको रखेगी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में और वहां से निकाल निकाल करके रूरल एरियाज में या अनसर्व एरियाज में जैसे बॉर्डर रीजन में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करेगी पहले जो इसके अंतर्गत फंड मैनेज किया जाता था तो उसका नाम था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड और अब उसी को कहा जाएगा डिजिटल भारत निधि टॉपिक विशेष पे ये प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन सबमिट आंसर इन द कमेंट सेक्शन उट थर्ड सक्सेसफुलिस आर कॉम्बिनेशन ऑफ रॉकेट एंड एयरक्राफ्ट रॉकेट क्या करते हैं जाकर के छोड़ाते हैं और वापस से आकर दे सबर्ज इन द या फिर द स्पेस इट हो रहा है कि ने एक बार सेटेलाइट को लॉन्च इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है जबकि एयरक्राफ्ट क्या होते हैं जिसमें हम लोग बैठते हैं वो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है फिर वहां से तीसरी जगह ले जा सकता है तो मल्टीपल यूज किया जा सकता है एयरक्राफ्ट का दोनों ही आप कह सकते हैं एरियल व्हीकल्स हैं बट एक का बस एक बार इस्तेमाल होता है रॉकेट का सेटेलाइट वगैरह को लॉन्च करने के लिए उसके बाद इट गेट्स जबकि एयरक्राफ्ट मल्टीपल टाइम इस्तेमाल होता है दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके बनाया गया कॉन्सेप्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का आर एल वी जो स्पेस में जाएगा रॉकेट की तरह और सेटेलाइट को पहले स्पेस में छोड़ेगा और उसके बाद इट विल कन्वर्ट इन टू एन एयरक्राफ्ट इट विल कम बैक ऑन द अर्थ अगेन जिससे इसका वापस से इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर सेंडिंग अनदर सैटेलाइट यही कॉन्सेप्ट है री यूजल लॉन्च व्हीकल का आर एल वी आर एल वी से फायदा क्या होगा कि सैटेलाइट लॉन्च जो है वो सस्ता हो जाएगा क्योंकि रॉकेट को बार 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 हमें बनाना नहीं है डिस्ट्रॉय नहीं होगा आफ्टर वन लॉन्च तो सैटेलाइट लॉन्च विल बी इकोनॉमिकल इन नेचर कॉस्ट ऑफ रॉकेट लॉन्च विल कम डाउन इसके अलावा स्पेस टूरिज्म भी प्रमोट होगा क्योंकि इसके अंदर हम लोग अब टूरिस्ट स्पेस टूरिस्ट को बिठा करके भेज सकते हैं जो उनको स्पेस में ले ले जाने के बाद परमन लाइन होता है हंड्रेड किलोमीटर डिस्टेंस पे वहां तक लगभग ले जाने के बाद वापस से अर्थ पे ले आए तो इस तरीके से स्पेस टूरिज्म भी प्रमोट हो सकता है वंस रीयूजल लॉन्च व्हीकल इज डेवलप्ड रीयूजबल लॉन्च व्हीकल डेवलप कर रही है इसरो भारत की स्पेस एजेंसी बट नासा इसको ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है और इसी का इस्तेमाल करती है जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उसको नए एस्ट्रोनॉट्स भेजने होते हैं और वहाँ पे जो एक्जिस्टिंग एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको वापस लाना होता है तो आर एल वी री यूजल लॉन्च व्हीकल ऑलरेडी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इट इसीलिए इसरो में जो आर एल वी है उसको कहा जाता है आर एल वी टी डी रीयूजल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जिसका हम अभी क्या कर रहे हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करके अभी उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल हमने शुरू नहीं किया है करेंट न्यूज यही है कि आर एल वी टी डी जो इसरो कर रही है टेक्नोलॉजिकल डेमोन्ट्रेशन कर रही है उसका तीसरा सक्सेसफुल टेस्ट हाल फिलहाल में कर दिया गया है तो तीन टेस्ट हो गए दिस इज द फाइनल टेस्ट मतलब अब अब ये हो गया तो मान सकते हैं कि भारत की लॉन्च व्हीकल आपको अब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए या फिर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाने के लिए अब इस्तेमाल की जा सकती है तो दिस इस इसरो हैज हाँ रिसेंटली कंडक्टेड थर्ड कंजिक्यूटिव सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ आर एल वी लॉन्च व्हीकिल थर्ड एंड फाइनल टेस्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट एल जीरो विंग्ड ये जो आप देख रहे हैं इसको कहा गया विंग्ड व्हीकल क्योंकि इसमें पीछे लगा है ये विंग इसका नाम है पुष्पक इसको माउंट किया गया या अटैच किया गया एयरफोर्स का चिनुक हेलीकॉप्टर और चिन्हुक हेलीकॉप्टर से यह पुष्पक सेपरेट होकर के फिर लगभग 4.5 किलोमीटर की हाइट पे चीन हेलीकॉप्टर से सेपरेट हुआ और फिर इसने लगभग 4.5 किलोमीटर के हाइट से अपने आप को डिटैच करने के बाद लगभग 4.5 किलोमीटर लंबे रनवे पे आकर के इसने अपने आप को सक्सेसफुल लैंड भी किया तो रीयूजल लॉन्च व्हीकल में जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज यही तो है सक्सेसफुल लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग इन सेफ मैनर और वो कर दिखाया पुष्पक ने जिसको माउंट किया गया था एयरफोर्स के चिनुक हेलीकॉप्टर पे 4.5 किलोमीटर की हाइट से आया और 4.5 किलोमीटर के रनवे पे आकर के इसने अपने आप को कोर्स करेक्शन करते हुए सेल्फ कोर्स करेक्शन करते हुए अपने आप को लैंड करा दिया तो दिस वाज द थर्ड सक्सेसफुल एंड मे बी द फाइनल सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ रियुजेबल लॉन्च वेहकल एंड नाव यू कैन सी

कोर एरियाज ऑफ द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। बट सॉल्व फ्रॉम आर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वाचिंग।